Hello students, welcome to Supergrads channel. I am Akanksha and today we have come up with another interesting series of a video wherein we are going to talk about and discuss about the various patterns and the distinction in the patterns of these elite IPM entrances, which are IPMAT Indore, IPMAT Rohtak and JIPMAT. तो इस चीज का एजेंडा ये था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ना थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कभी कभी आईपी मैट इज जस्ट वन सिंगल एंट्रेंस जिसके थ्रू आप मल्टीपल आईआईएम्स में एडमिशन ले सकते हो, विच इज नॉट द केस. तो तीन अलग अलग एंट्रेंसेस हैं फॉर फाइव आईआईएम्स. तो पांच आईआईएम्स कौन कौन से हैं ये हम अपने प्रीवियस वीडियोज में ऑलरेडी बात कर चुके हैं जो आईपीएम प्रोग्राम प्रोवाइड करा रहा है. अगेन टू रिपीट, IIM इंदौर, IIM रांची, IIM रोहतक, IIM जम्मू एंड IIM बोधगया. तो इन पांचों के लिए देयर आर थ्री सेपरेट एंट्रेंसेस जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, पर्टिकुलरली अबाउट द एग्जाम पैटर्न. तीनों एंट्रेंसेस का डिस्टिंक्शन क्या है पैटर्न के परस्पेक्टिव से. तो वैसे IIM पांच है पर पैटर्न तीन क्यों है, सॉरी एंट्रेंसेस तीन क्यों है. So IPMAT Indore, there is one entrance which gives admission for IIM Indore as well as IIM Ranchi. Whereas IPMAT Rohtak is another entrance which, you know, by giving this, you can only take admission in IIM Rohtak. And lastly, JIPMAT, which is Joint Integrated Program in Management Admissions Test, is an entrance jiske through it is a combined entrance. जिसको देकर आप लोग IIM जम्मू और IIM बोध गया में एडमिशन ले सकते हो. तो इन्हीं तीनों एंट्रेंसेस के एग्जाम पैटर्न के बारे में हम लोग पूरी वीडियो में देखेंगे. सो आई रियली होप दैट यू स्टिक थ्रू आउट द वीडियो. इफ यू रियली लाइक इट एंड यू थिंक दैट इट हेल्प्स यू, डू नॉट यू नो फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट अस बिगिन. सो स्टूडेंट्स, लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद IPMAT इंदौर इटसेल्फ. और यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आई हैव डिवाइडेड द टाइमलाइन फॉर थ्री इयर्स क्योंकि हम लोगों ने पिछले तीन साल में, इंक्लूडिंग दिस ईयर, अभी से तीन साल में 2020, 2021 एंड 2022, वी हैव सीन डिस्टिंक्शंस इन द एग्जाम पैटर्न ऑफ इंदौर इटसेल्फ ड्यू टू वेरियस रीजंस. तो 2020 में जब हमारे पास नॉर्मल टाइम था, नॉन कोविड पीरियड, तब हमारे पास कुछ पैटर्न अलग था. और 2021 वाज अ कोविड हिट पीरियड जब हम लोगों का पैटर्न में थोड़ी सी लिबर्टी रिलैक्सेशन थी. एंड 2022 दिस ईयर वी सॉ अगेन अ सरप्राइजिंग पैटर्न व्हिच वी गॉट टू नो फ्रॉम द स्टूडेंट इटसेल्फ क्योंकि उन लोगों के लिए भी सरप्राइज था. तो 2022 में, मतलब इस साल, जब वो लोग पेपर देने गए तभी उन लोगों को पेपर पैटर्न, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में पता चला. उससे पहले IIM इंदौर ने बिल्कुल भी रिलीज नहीं किया था कि पैटर्न क्या होगा. दे ओनली रिलीज्ड द सेक्शंस एंड द टाइम व्हिच विल बी अलॉटेड टू द पर्टिकुलर सेक्शन. जिससे हमें एक और चीज के बारे में पता चलता है कि IPMAT इंदौर इज द सोल IPM एंट्रेंस जिसके सेक्शनल टाइम लिमिट होते हैं. तो जो जितने भी सेक्शन होंगे, मेजरली तीन जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, ईच ऑफ देम विल हैव अ सेक्शनल टाइम लिमिट. तो ड्यूरेशन और यू नो द टोटल नंबर ऑफ द मार्किंग स्कीम दैट वील यू नो लुक इन टू हेयर इट सेल्फ. सो लेट अस बिगिन विद 2020. तो 2020 में, एज आई मेंशन दैट इट वॉज अ नॉर्मल पीरियड, नॉन कोविड टाइम. तो क्वांटिटेटिव अबिलिटी शॉर्ट आंसर्स, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता है. आपको कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए होते हैं और आप लोगों को आंसर्स टाइप करने होते हैं बाय सॉल्विंग योरसेल्फ्स एंड यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शंस. तो द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर 20. और एमसीक्यू की अगर बात करें, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एमसीक्यू, सो द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर 40. वर्बल एबिलिटी में अगेन 40. और अगर हम लोग उसके टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ईच सेक्शन कंसिस्टेड ऑफ 40 मिनट्स ईच सेक्शन. मतलब QA essay की 40 minutes, QMCQ के 40 minutes and lastly verbal के 40 minutes. Marking scheme mostly सारे जितने भी हमारे ये तीनों entrances हैं उनकी same है, which is +4 for every correct answer and -1 for every wrong answer. Now coming to 2021, which was a COVID hit period, यहाँ पे क्योंकि obvious reasons की वजह से पढ़ाई नहीं थी, coaching नहीं थी, multiple reasons and obvious reasons उसकी वजह से
देर वॉज अ ह्यूज चेंज इन अ पैटर्न. सो IIM इंदौर ने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया था इन टर्म्स ऑफ यू नो द क्वेश्चंस. सो QA शॉर्ट आंसर्स 10 क्वेश्चंस, QA MCQ 20, वर्बल एबिलिटी 30 क्वेश्चंस. एंड यहाँ पे ईच सेक्शन को जो टाइम लिमिट दिया था इट वॉज 30 मिनट्स ओनली ड्यू टू द क्वेश्चंस वर लेस. मार्किंग स्कीम सेम थी. सो दिस वॉज द पैटर्न इन 2021. 2022 मतलब इस साल की अगर हम लोग बात करें तो इस साल यहाँ पे अगेन एज आई मेंशन्ड देर वॉज अ सरप्राइज इन अ पैटर्न विच स्टूडेंट्स गॉट टू नो वेन द डे यू नो द डे दे वेंट टू अपियर फॉर द एंट्रेंस. तो QA ऐसे देर वर 15 क्वेश्चंस, MCQ 30 क्वेश्चंस, वर्बल एबिलिटी कंसिस्टेड 45, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर 90. 90 क्वेश्चंस जो हम लोग एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे. हम लोगों ने सोचा था क्योंकि दिस इज अ नॉर्मल पीरियड अगेन तो ये वाला पैटर्न फॉलो होगा, बट नहीं. यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर जस्ट 90. और ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो 40 मिनट्स वर गिवन टू ईच सेक्शन. मार्किंग स्कीम रिमेन सेम. यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर 60 एंड हियर इट वाज 100. सो दिस वाज द इंटायर 3 इयर्स का पैटर्न जो अभी हमने देखा. 2023 में क्या होगा ये बिल्कुल अनसर्टेन है, ये अभी हम नहीं कह सकते. बट इन तीनों टाइमलाइंस को देखने के बाद वी आर एक्सपेक्टिंग कि इधर ही लाई करेगा. सो इधर इट विल बी हियर और इट विल बी हियर. 2021 में जो हमने पैटर्न देखा था उसके आने के चांसेस काफी कम रहेंगे. सो लेट्स सी, वील हैव टू सी इन 2023 इटसेल्फ. नाउ स्टूडेंट्स लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड लुक इनटू द पेपर पैटर्न ऑफ IPMAT रोहतक. IPMAT रोहतक का पेपर पैटर्न हमेशा से कंसिस्टेंट रहा है. इनफैक्ट नॉट ओनली IPMAT रोहतक बट JIPMAT ऑल्सो जो हम अपनी अपकमिंग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, दोनों का पेपर पैटर्न हैज बिन कंसिस्टेंट एंड कॉन्स्टेंट थ्रू आउट दिस टाइम वेन यू नो द टाइम वेन दे बिगैन. एंड जैसा कि आप लोगों ने देखा IPMAT इंदौर में और बाकी इन दोनों में एक मेजर डिस्टिंक्शन ये है कि यू नो अपार्ट फ्रॉम द सेक्शनल टाइम विच आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, इंदौर में यू कैन सी दैट देर आर टू मेजर सेक्शंस ओनली विच इज क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड वर्बल एबिलिटी. क्वांटिटेटिव के दो बाइफर्केशंस हैं MCQ एंड शॉर्ट आंसर्स. यू नो IPMAT रोहतक और JIPMAT में देर आर थ्री मेजर सेक्शन स्टार्टिंग विद क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी. तो इस पर्टिक्युलर दोनों एंट्रेंसेस में लॉजिकल रीजनिंग मेजर पार्ट प्ले करता है, वेयर एज इन इंदौर यू डिड नॉट यू डोंट सी यू नो द कोर लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द पैटर्न, जैसे कि मैंने कहा जब से ये स्टार्ट हुआ है तब से कंसिस्टेंट रहा है. क्वांटिटेटिव एबिलिटी 40 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग 40, वर्बल एबिलिटी 40, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 120. और इसमें कोई सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं होता है और जो इसका टोटल ड्यूरेशन होता है इट इज 120 मिनट्स ओनली. मतलब 2 घंटे का पूरा पूरा पेपर होता है टू सॉल्व 120 क्वेश्चंस. नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड क्विकली लुक इनटू द लास्ट कैटेगरी व्हिच इज JIPMAT. सो JIPMAT एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड इज अ कंबाइंड एंट्रेंस फॉर बोथ IIM जम्मू एंड बोध गया. यहाँ पे भी लॉजिकल रीजनिंग मेजर पार्ट प्ले करता है. यहाँ पे कोई सेक्शनल टाइम लिमिट एज वी सॉ इन IPMAT रोहतक नहीं होता है. सो क्वांटिटेटिव एबिलिटी 33 क्वेश्चंस, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग 33 क्वेश्चंस एंड वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. अच्छा दिस इज रिटन 33 क्वेश्चन बाय मिस्टेक, इट इज नॉट 33, इट इज 34. 34 टोटल क्वेश्चंस, ठीक है, व्हिच मेक्स द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100. 33, 33 एंड 34. तो 100 नंबर टोटल, 100 टोटल क्वेश्चंस. और अगर हम लोग टाइम की बात करें तो 150 ओवरऑल टाइम इज गिवन फॉर JIPMAT. 150 मतलब 2.5 घंटे का पेपर होता है ये टोटल टोटल फॉर 100 क्वेश्चंस. तो दिस वाज फॉर JIPMAT. स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड. वी जस्ट डिस्कस्ड ऑल द 3 IPM एंट्रेंसेस, IPMAT इंदौर, रोहतक एंड JIPMAT. उसका पेपर पैटर्न अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है.
काइंडली प्लीज कमेंट कि आप लोग और कौन कौन से वीडियोस देखना पसंद करोगे, व्हाट ऑल थिंग्स दैट यू नीड. वी हैव रिसेंटली डिस्कस्ड कि कौन कौन से एंट्रेंसेस है, सॉरी कौन कौन से कॉलेजेस है या इंस्टीट्यूट है विच एक्सेप्ट द स्कोर ऑफ आईपी मैट इंदौर. अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हो. उसके प्रीवियस में वी हैव डिस्कस्ड द कट ऑफ्स ऑफ वेरियस एंट्रेंसेस. एंड इफ यू यू नो नीड मोर सच कॉन्टेंट, डू लेट अस नो थ्रू द कॉमेंट. And thank you so much for watching this video. If you have any further queries, you can always connect with us. See you. Bye-bye.